नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न विल चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ लेके आया हूं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं इस TDL का यूज क्या रहेगा। तो यहां पे अगर मैं चले जाऊं वाउचर के अंदर में, तो आप यहां देख सकते हैं मेरा परचेज वाउचर ओपन है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डेट टोटल परचेज, डेट टोटल सेल्स कर, यानी कि जिस डेट में दोस्तों मेरा ये वाउचर ओपन है उस डेट का परचेज और सेल भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइव एंट्री करते जाऊंगा तो ये आपका चेंज भी होते जाएगा। फिर मैं आपको एक और एंट्री यहाँ पे डाल के ऐसे दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से 15,000 की एंट्री डाल दिया है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे परचेज वाला जो अमाउंट है तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि अपना आज की डेट में कितना पोस्टिंग हो रहा है, कितने का परचेज हो रहा है, कितने की एंट्री हो रही है। और जैसे ही आप सेल करेंगे, सेल का भी डिटेल आपका यहीं पे अपडेट होते जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, यूज करने लायक है। तो चलिए देखते हैं कि इस TDL को हम लोग कैसे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से TDL बनाना सीखना चाहते हैं तो आपके पास में टेलीप्राइम डेवलपर होना चाहिए। अगर आपके पास में टेलीप्राइम डेवलपर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके थ्रू TDL बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर TDL से रिलेटेड और भी आपको वीडियोज देखनी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है TDL कोर्स करके, आप उसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज वाले TDL के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल ऐड कर लेते हैं इधर। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक नाम रख सकते हैं इस फाइल का। इसके बाद इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर टेलीप्राइम डेवलपर के अंदर में। तो यहाँ चले जाएंगे फाइल में, यहाँ पर जाएंगे ओपन फाइल में। तो ये रही दोस्तों अपनी फाइल डेट सेल परचेज करके, इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो कोड आपके उस फाइल के अंदर में सेव होते जाएगा, वो टेक्स्ट फाइल जो है वहीं पे आपका सेव होते जाएगा। तो अभी इसमें जो मेरी ये पहले से जो फाइल डली हुई है, मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ, ताकि मैं आपको वहाँ पर जब बनाते भी जाऊँ तो भी मैं वहाँ से आपको दिखाते जाऊँ। तो अभी मैंने ये फाइल हटा दिया यहाँ से। अब इसमें एक सिर्फ रिफ्रेश वाली TDL बस पड़ी हुई है। अब मैं नए तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा कैसे ऐसे टाइप की TDL को अपने को क्रिएट करना है। अगर अभी मैं यहाँ पे चलूँ वापस से वाउचर में, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। ये एक नॉर्मल वाउचर ओपन है अपना, नॉर्मल परचेज इनवाइस ओपन है। और अगर अपन सेल्स में जाएँ यहाँ पर, तो नॉर्मल सेल्स इनवाइस ओपन है। तो अपन जो चीज़ें ऐड करेंगे दोस्तों, आपका सेल परचेज डेबिट नोट क्रेडिट नोट हर जगह वो चीज़ दिखेगा। आप जो भी वाउचर ओपन करेंगे वहाँ पे वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों, अपना जैसे भी ये सेल्स वाला वाउचर ओपन है, ये यानी कि एक अपना फॉर्म ओपन है यहाँ पे टैली के अंदर में। और अपने को क्या करना है, यहाँ पर जाना है टेलीप्राइम डेवलपर में, यहाँ पर कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद में आपको ऊपर में ये फॉर्म एक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे। और यहाँ पे अपने को फॉर्म का नाम जो देना है दोस्तों, वो है VCH बेसिक फॉर्म करके। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको VCH बेसिक फॉर्म करके। जैसे ही आप लिखेंगे ऊपर में ही आ जाएगा, इसको आपको गो कर देना है। जब आप गो करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये फॉर्म आपके सामने में ओपन होके आ जाएगा। यानी कि जो भी आपको अभी ये कोड दिख रहा है टैली के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट कोड अपना डला हुआ है पहले से। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपने को बेसिक वाला ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे VCH बेसिक इनवॉइस मोड करके जो लिखा हुआ है, तो इसमें अपने को चले जाना है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं उसी पार्ट पर इसके पहुँच जाऊँगा, उसी फॉर्म में पहुँच जाऊँगा VCH बेसिक इनवॉइस मोड वाले में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ऐड पार्ट करके लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्ट ऐड हैं जो टैली में आपको दिखते रहते हैं। अगर मैं इसमें से कोई सा भी एक पार्ट चेक करूँ, मान लीजिए मैं इस पार्ट को चेक करता हूँ, जैसे EI पार्टी इन्फो करके है, तो इसको चेक कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे आ गया अपने वाले कोड में, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ शुरू में ये मेरा पार्ट है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पार्ट लिख दूंगा, कॉलन का चिन्ह लगा के ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पर एक मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ येलो करके। अब इसको मैं सेव कर दूंगा दोस्तों। अब मैं जब भी जाके यहाँ पे टैली में अपने इसको TDL को लोड करूँगा, अभी मैं इसको TDL को लोड करता हूँ, यहाँ हेल्प में चले गया, TDL एंड एड ऑन में चले गया, मैनेज लोकल TDL, ये मेरे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर देता हूँ, डेस्कटॉप डेट सेल परचेज करके है। अब मैं इसको सेव किया। अभी यहाँ पे जैसे कुछ एरर आ रहा है डुप्लीकेट डिफिनीशन नेम करके, मतलब डुप्लीकेट इसलिए बोल रहा है कि वो जो डिफिनीशन नेम हम लोग दिए हैं ये वाला, ये ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट ना दिखाया करके अपने को इसके पहले हैश लगा देना है। तो यहाँ पे पार्ट के पहले मैंने हैश लगा दिया। अब इसको सेव करेंगे, सेव करके वापस से TDL को लोड कर लेंगे यहाँ से। अभी इसमें जो एरर आ रहा था दोस्तों, वो एरर नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं चलूँ वापस से यहाँ पे वाउचर के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टी के सामने का जो डिटेल है, पार्टी वाली जो लाइन है, ये पूरी पूरी लाइन येलो हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी भी लाइंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये वाला जो कोड है, यहाँ से ये सभी लाइन्स दिए हुए हैं, ये सभी पार्ट यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये सभी पार्ट को आप चेक कर सकते हैं।
तो अब इसमें जैसे मैं इसको भी चेक करता हूँ, VCS टाइटल 2 वाला, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे मैं एक और हैश पार्ट लिखता हूँ, इधर मैं इसको नाम को पेस्ट कर दूंगा, और इसका मैं कुछ अलग बैकग्राउंड दे देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसको मैं सेव किया। अब मैं चल के TDL को वापस से यहाँ से लोड करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब मैं अगर यहाँ से वापस से आपको जाके दिखाऊँ, तो इधर आप देख सकते हैं अपनी दो लाइंस ऐड हैं यहाँ पे जो दिख रही हैं। पहली जो भी ग्रीन वाली जो आ रही है दोस्तों, वो है टाइटल 2 वाली लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो कोड है वो वाला यही टाइटल 2 वाली लाइन में ऐड कर देंगे। तो इसमें दोस्तों जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, इसके बाद में ही अपन ऐड कर देंगे अपना खुद का डिटेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ऐड करना है। अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो कोड है दोस्तों, यहाँ पे इस कोड को ध्यान देना है, अपने को इसी को पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये मैंने ये ऐड पार्ट तक को इसको कॉपी कर लिया, इधर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जो अपना पहले से डला हुआ था, इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे VCH बेसिक इनवाइस का जो फॉर्म है दोस्तों, इसको अपने को हैश के साथ में लिखना है, क्योंकि टैली के अंदर ऑलरेडी डला हुआ है। अब यहाँ पे जो ऐड पार्ट करके है, ऐड पार्ट करके इस तरीके से आफ्टर VCH टाइटल 2 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनका पार्ट अपने को हटा देना है, जो टैली का पार्ट है वो हटा देना है। आफ्टर VCH टाइटल 2 के बाद हम लोग का अपना खुद का एक नाम दे देना है इधर। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट का नाम दे दिया दोस्तों, लर्न वेल सेल परचेस करके, और इस पार्ट का अपने को डिफिनीशन बना लेना है। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा पार्ट, क्योंकि ये हम लोगों ने पार्ट ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे पार्ट ही लिखना है। तो दोस्तों अपना फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, पार्ट में लाइन आ जाती है, लाइन में फील्ड आ जाता है, इस तरीके से अपना TDL कोड चलता है दोस्तों। पिछली वीडियोज आप देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट का नाम दे दिया, इसका डिफिनीशन मैंने बना लिया। अब इस पार्ट के अंदर में अपने को लाइन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लाइन का नाम दे देता हूँ। अपने को दो लाइन अगर चाहिए तो मैं दो लाइन ऐड कर दूंगा, एक ही लाइन में सारा डिटेल चाहिए तो एक ही लाइन ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि परचेज का जो अमाउंट है वो अलग लाइन में आए, सेल का अमाउंट जो है वो अलग लाइन में आए। तो अपन यहाँ पे दो लाइन ऐड करेंगे, एक में मैं यहाँ पे LW PUR लाइन कर देता हूँ, एक में यहाँ पे LW सेल लाइन कर देता हूँ। तो एक लाइन अपनी दोस्तों हो गई परचेज के लिए, एक लाइन हो गई सेल के लिए, और सेम इसका भी अपने को डिफिनीशन बनाना है जैसे हमने पार्ट का बनाया था। तो इसको भी अपन ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइन और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी अपनी परचेज वाली लाइन हो गई दोस्तों, अब इसमें अपने को फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे फील्ड लिखेंगे फील्ड। अभी फील्ड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने को फील्ड का नाम भी देना है, तो मैं यहाँ पे LW फील्ड PUR कर देता हूँ, और इसका भी डिफिनेशन बना लेंगे यहाँ पे LW फील्ड PUR। इसको अपने को ब्रैकेट में रखना है, साथ में यहाँ पे शुरू में लिखेंगे फील्ड, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आपको स्पेलिंग का ध्यान देना है, जो स्पेलिंग आपने यहाँ लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपकी यहाँ भी होनी चाहिए। आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। अब इस फील्ड के अंदर में दोस्तों अपने को दो फील्ड ऐड करनी है, एक फील्ड हो जाएगी अपनी जिसमें हेडिंग आएगा, और दूसरा फील्ड हो जाएगा जिसमें अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे अपन फिर से लिखेंगे फील्ड, इस तरीके से फील्ड के अंदर फील्ड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फील्ड, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल प्रॉम्प्ट, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट अमाउंट फील्ड लिख दिया मैंने, इसको आप पास पास भी लिख सकते हैं, बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अपने को लिखना है दोस्तों लोकल, कॉलन का चिन्ह आपको लगाते जाना है, फील्ड सिंपल प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे इन्फो लिखना है, और जो भी आपको हेडिंग वहाँ पे देनी हो हेडिंग का नाम लिख देना है, तो यहाँ पे डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में मैं लिख देता हूँ डेट परचेज। ठीक है, डेट परचेज मतलब जिस भी वाउचर डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट का वहाँ पे वो परचेज दिखा देगा। यहाँ पे आप परचेज अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेट परचेज अमाउंट करके मैंने लिख दिया। अब ये तो अपनी हेडिंग दोस्तों वहाँ पे आने लगेगी। अब इसके बाद अपने को यहाँ पे अमाउंट के लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा लोकल फील्ड, और यहाँ पर अभी अमाउंट फील्ड का यूज करेंगे। अमाउंट फील्ड में अपने को सेट करना है एक फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट फील्ड के बाद में सेट एज, और डबल एट द रेट के साथ में यहाँ पे अपने को एक फार्मूले का नाम दे देना है, तो लर्नवेल परचेज कर देता हूँ। ठीक है, लर्नवेल परचेज करके मैंने इस तरीके से नाम दे दिया।
ठीक है, तो ये अपना दोस्तों कोड हो गया, अपना परचेस से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो दूसरी लाइन है सेल वाली लाइन, इसके लिए भी अपन सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी के नीचे में इसको भी पेस्ट करते हैं। अब इसमें ये वाली जो सेल लाइन का नाम हमने दिया था, इसका डिफिनीशन यहाँ पे बन जाएगा इसका, और इसमें अपन PUR की जगह में सेल कर देते हैं। ठीक है, ये सेम नाम इधर भी आएगा। और यहाँ पे जो अपना सिस्टम फार्मूला है, जो अपन ने जो फार्मूले का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेल्स कर देंगे। अब इधर एक ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जो भी ये नाम आपने दिया हुआ है इसको आपको उधर पेस्ट करना है। एक ये तो अपना परचेज वाला हो गया, एक दूसरा भी नाम लिखेंगे सेल्स वाला, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉलन चिन्ह लगाने के बाद में यहाँ पे अपने को डबल डॉलर के साथ में लिखना है फ्रॉम वैल्यू, ठीक है, फिर कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, फिर डॉलर के साथ में दोस्तों लिखेंगे डेट, क्योंकि अपने को डेट के उस क्योंकि अपने को उस पर्टिकुलर डेट का ही अमाउंट दिखाना रहेगा। यहाँ पे डेट लिखने के बाद में उसके बाद फिर यहाँ पे डबल डॉलर लगाएंगे और लिखेंगे टू वैल्यू, फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे डॉलर के साथ में। मतलब ये इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम इस डेट से टू इस डेट तक जो भी अपनी डेट रहे उस डेट के बीच में, और यहाँ पे डॉलर के साथ में लिखेंगे दोस्तों डेबिट टोटल्स, क्योंकि अपना डेबिट अमाउंट रहता है जो अपना परचेज वाला रहता है, और सेल में जो आपको दिखता है वो क्रेडिट अमाउंट रहता है अपना ग्रुप का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेबिट टोटल्स, और किसका टोटल हो दोस्तों यहाँ बताएंगे अपन लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप का टोटल हो, और ग्रुप कौन सा रहे वो भी आपको लिखना है, तो ग्रुप अपना यहाँ पे डबल डॉलर के साथ में लिखेंगे ग्रुप परचेज करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम वैल्यू डेट टू वैल्यू डेट डेबिट टोटल्स, यहाँ पे ग्रुप ग्रुप परचेज डबल डॉलर के साथ में, तो ये आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, और इधर भी हम लोग इसको पेस्ट करते हैं सेम सेल्स के लिए भी। अब इसमें चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे जो डेबिट टोटल्स लिखा हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे, और इधर जो परचेज लिखा हुआ है ग्रुप परचेज वाला इसको चेंज करके अपने को सेल्स कर देना है। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेव करने के बाद में चलते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस से चलते हैं वाउचर के अंदर में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड में डेट परचेज अमाउंट डेट सेल्स अमाउंट ऐसा ये लिखा हुआ आ रहा है कि अपना करंट डेट में कितना परचेज कितना सेल हुआ है, जो भी डेट अपना वाउचर का डेट हमने ओपन करके रखा हुआ है उसमें दिख रहा है। अब इसको अगर आपको मिडिल में लेके आना है तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों हमने ये जो अपना पार्ट जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है पार्ट को ही हम लोग अलाइन कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजेंटल अलाइन, इसमें कॉलम के साथ में सेंटर लिख देंगे, वर्टिकल अलाइन भी कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल अलाइन, कॉलम लगाएंगे इधर, इसको भी सेंटर कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं और वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ TDL को और फिर से जाके ओपन करता हूँ। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अपना परचेज इधर आ रहा है डेट परचेज अमाउंट करके और डेट सेल्स अमाउंट करके, और बाकी जो जैसा था वैसा ही आ रहा है, लेकिन अभी अपना कर्जर जैसे ये अमाउंट के ऊपर में जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी स्किप करा सकते हैं कि अपना कर्जर जो है वो अमाउंट के ऊपर में ना जाए वहाँ पे, तो उसको स्किप कराने के लिए आपको इसी को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जो हमने फील्ड के अंदर में नाम ये सब लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अमाउंट फील्ड इसको कर देते हैं सेट एज की जगह में स्किप, और इधर अपने को यस कर देना है। ठीक है, ये यस हो गया अपना, और इसी को अपन सेल्स में भी पेस्ट कर देंगे, सेल्स वाला भी स्किप करने लगेगा। ठीक है, इधर मैंने पेस्ट कर दिया स्किप वाला फील्ड भी, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब चलते हैं इधर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना कर्जर जो है उधर नहीं जा रहा है, ये सीधा नीचे अपने जगह पे चले जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अभी तो मैंने आपको परचेज का करके दिखाया था, अगर मैं इसमें सेल्स में चले जाऊँ, यहाँ वाउचर टाइप मैंने सेल्स ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में भी ये चीज़ दिख रहा है। अगर मैं इधर रिसिप्ट वगैरह ओपन करूँगा रिसिप्ट पेमेंट में ये नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अदर वाउचर में जैसे गए इधर डेबिट नोट क्रेडिट नोट में अगर देखेंगे तो यहाँ डेबिट क्रेडिट नोट में भी ये चीज़ आपको दिख जाएगी। ठीक है, अभी मैं अगर सेल्स में एक एंट्री डाल के देखूँ, यहाँ 259,440 दिख रहा है अमाउंट, अगर मैं एक सेल्स की एंट्री यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे ही सेल्स की एंट्री डाला आप देख सकते हैं इसका अमाउंट बढ़ गया, तुरंत ही इसमें ऐड होके आ चुका है।
इससे आप देखते भी जाएंगे, आप जितना दिन भर में एंट्री कर रहे हैं आपको दिखते जाएगा कि आज की डेट में मेरा कितना सेल हुआ। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।